एज ऑफ नाव वे आर ऑलमोस्ट डन विथ सिंपल मीन हमने पहले देखा था स्टार्टिंग में देर आर टू काइंड ऑफ अरथमेटिक मीन फर्स्ट इज सिंपल मीन एंड द सेकेंड वन इज वेटेड मीन वेयर अबाउट टू कंप्लीट द सिंपल मीन लेट मी टेल यू द डी मेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ सिंपल मीन लेट इज़ गेट स्टार्टिड द फर्स्ट मेरिट इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कंप्यूट एज वी ऑल नो कि मीन एक सिंगल वैल्यू है एक सिंगल वैल्यू को समझने के लिए कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ बेस्ड ऑन फार्म्यूलाज सो फार्मूलाज किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं मल्टीप्लीकेशन डिविजन सब्ट्रैक्शन सो इट इज़ इजी टू कंप्यूट दैट वेज द नेक्स्ट इज सर्टेनटी अब रिजिडली डिफाइंड है हमारा मीन ये हम देख चुके हैं हमने बार बार डिस्कस किया है और मीन इज रिजिडली डिफाइंड इट इज़ बेस्ड ऑन फार्मूलाज एंड इट इज़ रिजिडली डिफाइंड बिकॉज इट गिव्ज अस सेम आंसर विथ ऑल द मेथड्स अब वो आंसर वो सम मैं कैलकुलेट करूँ या आप कैलकुलेट करो आंसर सेम ही आएगा सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सर्टेन इट गिव्स द सर्टेनिटी द नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स यू आर गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इफ़ यू स्किप वन और आप कुछ इनकरेक्ट लिखते हो तो उसके लिए हमारे पास मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करना या करेक्टेड मीन के फॉर्मूलाज हमारे पास हैं बट यू हैव टू ट्राई कि आप सारे ऑब्जर्वेशन्स कंसिडर करो जितने भी आपके ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं डेटा में सबको कंसिडर करके ही लास्ट में अपना मीन कैलकुलेट करो द नेक्स्ट इज लीस्ट अफेक्टेड बाई फ्लक्चुएशन इन सैम्पल इफ यू हर गिवेन अ लार्ज सैम्पल एक लार्ज एंटायर डेटा सेट आपको दे दिया गया है ठीक है तो उसमें क्या होता है आपकी कुछ चीज़ें सेट ऑफ हो जाती हैं सो so, उससे क्या है आपका जो मीन है वो लीस्ट अफेक्ट होगा जब आप बड़े सैंपल्स लोगे तो आपका जो मीन है उसको एक स्टेबल मेजर माना जाता है इसीलिए वो बड़े सैंपल्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है द नेक्स्ट इज कन्वीनियंट मेथड ऑफ कंपेरिजन हमने इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज कंटिन्यूस सीरीज देखा उसमें हमारे पास एक ही डिस्ट्रीब्यूशन था फिर हमने कंबाइंड मीन देखा उसमें बोला गया था टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं सो विच एवर डिस्ट्रीब्यूशन यू आर गिवन और जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन यू आर गिवन आप उसके अकॉर्डिंगली अपना कन्वीनियंट मेथड ऑफ कंपेरिजन चूज़ कर सकते हो द नेक्स्ट इज अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट वी सॉ दिस अर्लियर ऑल्सो मीन को आगे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन ये सब निकालने के लिए आपको मीन का अलजेब्रिक ट्रीटमेंट आगे करना पड़ेगा मैथमेटिकली उसको आगे और यूज़ करना है सो इट्स अ मेरिट फॉर आस द लास्ट वन इज नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड मीडियम में या मोड में हम देखेंगे आगे जाके कि आपको डेटा को अरेंज करना पड़ेगा बट मीन में आपको एज इट इज जो क्वेश्चन दिया है आप अपना कैल्कुलेशन स्टार्ट कर दो आपको डेटा को अरेज या ग्रुप करने की कोई ज़रूरत नहीं है सो दीज वर द मेरिट्स एंड नाउ लेट इज मूव ऑन विद द डी मेरिट्स ऑफ मीन द फर्स्ट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़ अब पहले हमने देखा था इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज़ तो पहले वो उसकी क्वालिटी थी सो so यहीं पर वो इसका डी मेरिट है लेट्स से मैं आपको बोलूँ कि आप चार लोगों का मीन निकालो सैलरी का द फर्स्ट पर्सन इज़ अर्निंग टेन थाउजेंड द सेकेंड पर्सन इज़ अर्निंग फिफ्टीन थाउजेंड एंड द थर्ड पर्सन इज़ अर्निंग ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और जो हमारा फोर्थ पर्सन है वो है अम्बानी से ठीक है अब जो आपकी मीन आएगी क्या वो एक करेक्ट मीन देगी आपको क्योंकि जो बाकी के वैल्यूज़ हैं वो लोअर वैल्यूज़ हैं और जो अम्बानीज हैं वो कमाते हैं बिलियंस में तो जो आपका मीन आएगा वो अफेक्ट हो रहा है एक्सट्रीम वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू क्या है अम्बानीज़ की इनकम एक्सट्रीम वैल्यू है इस डेटा के लिए तो यहाँ पर आपका मीन जो है वो अफेक्ट हो रहा है वो भी अनड्यूली अफेक्ट हो रहा है अगर मैं आपको बोलती कि लेट्स कैलकुलेट द मीन ऑफ अ पर्सन लेट्स ए टेन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और फोर्टी थाउजेंड ये चार लोग होते इनकी ये इनकम होती तो फोर्टी थाउजेंड भी थोड़ा सा इस फिगर के बाहर है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से बहुत ज़्यादा है बट वो एक्सट्रीम नहीं है अम्बानी इसकी इनकम आपको एक, एक एक्सट्रीम वैल्यू देगी मीन की सो दैट इज़ हाउ इट इज़ अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज द नेक्स्ट इज अजम्पशन इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज हमने देखा था स्पेशल केस में ओपन एंड सीरीज था उसमें हमें फर्स्ट क्लास में और लास्ट क्लास में लिमिट्स मिसिंग थे राइट right? तो वो आपको खुद अज्यूम करने पड़ते हैं अनटिल एंड अनलेस यू डोंट अज्यूम इट आप अपना क्लास इंटरवल नहीं फॉर्म कर पाओगे क्लास इंटरवल फॉर्म नहीं होगा तो आगे कैलकुलेशन नहीं होगा सो दैट इज़ वाई दैट्स अ डी मेरिट बिकॉज यू हैव टू गो ऑन योर अजम्पन द नेक्स्ट इज एब्सर्ड रिजल्ट्स लेट्स टेक एन एग्जाम्पल सपोज बोला गया है एक एक दिया गया फिगर कि इंडिया में हर हर फैमिली uh, में 2.5 चिल्ड्रन हैं 2.5 चिल्ड्रन कैसे हो सकते हैं कुछ फैमिलीज़ में टू चिल्ड्रन होंगे कुछ फैमिलीज़ में थ्री होंगे फोर होंगे कुछ भी हो सकता है बट यू कैन नॉट डिवाइड अ चाइल्ड इन टू टू पार्ट्स पॉइंट फाइव सो दैट्स हाउ समटाइम्स मीन गिव्स यू एब्सर्ड रिजल्ट द नेक्स्ट इज नॉट पॉसिबल इन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको बोला जाए कि इंटेलिजेंस का कोई डेटा निकालो उसका मीन निकालो ऑनेस्टी का कोई मीन निकालो तो ये सब पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये सब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हमारा जो मीन है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव, डेट मीन्स नंबर्स पे ही कैलकुलेट करने के काम आता है द नेक्स्ट इज मोर स्ट्रेस ऑन आइटम्स ऑफ हायर वैल्यू दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट लेट मी गिव यू टू एग्जाम्पल्स इन दिस पहले हमने अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़ में जो एग्ज़ाम्पल लिया था वही रिवाइज़ करते हैं टेन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एंड इनकम ऑफ अम्बानीज ये सारी इनकम को जब हम प्लस करते हैं तो आपकी तीन वैल्यूज़ हैं वो लोअर वैल्यूज़ हैं और जो अम्बानी की इनकम है वो आपकी हायर वैल्यू है तो आपका जो पूरा मीन है वो कहाँ पोष हो जाएगा ऊपर की तरफ पोश हो जाएगा अम्बानीज की वैल्यू की तरफ पोश हो जाएगा राइट right? जो तीन लोअर वैल्यूज़ हैं उसकी तरफ आपका मीन नहीं आएगा इसीलिए वो इनकरेक्ट है अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं लेट्स हम तीन बिलीनियर्स को ले लेते हैं अम्बानीस मार्क जुकरबर्ग एंड बिल गेट्स एंड इज वन मोर पर्सन हु अर्नस ट्वेंटी थाउजेंड अब जब आप इनका मीन निकालोगे तो जब यहाँ पे हमने देखा कि ऊपर हमारे पास तीन लो वैल्यूज़ थे और एक हाई वैल्यू था यहाँ पे क्या है तीन हाई वैल्यूज़ है एक लो वैल्यू है पर क्या आपका मीन उस लो वैल्यू की तरफ आने वाला है विल इट गो डाउन ऑफकोर्स नॉट राइट सो दैट्स हाउ इट इज नोन एज मोर स्ट्रेस ऑन आइटम्स ऑफ हायर वैल्यू द नेक्स्ट इज कंप्लीट डेटा रिक्वायर्ड अगर आपको बोला गया है कि यहां पे आपके पास एक डेटा सेट है इसमें थाउजेंड लोगों की इंफॉर्मेशन है और जब आप देखते हो इफ इट टर्न्स आउट टू बी नाइन 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 इट इज नॉट पॉसिबल मीन कैलकुलेट नहीं हो पाएगा बिकॉज वी नीड एन दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो वो अगर हम रॉन्ग लिखेंगे अगर वो हमारे पास कंप्लीट डेटा नहीं है तो आप मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते द नेक्स्ट इज नो यूज ऑफ ग्राफ मीन में कहीं पे भी ग्राफ का यूज नहीं होता है दैट्स इट वी आर डन विद डी मेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ द मीन लेट इज मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक नाव एज ऑफ वी आर डन विद द मेरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ मीन द सेकेंड टाइप ऑफ मीन इज वेटेड मीन जो सेकेंड टाइप ऑफ मीन हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ वेटेड मीन अभी तक हम क्या देख रहे थे सिंपल मीन में जो सारे डेटा जो सारा डेटा था जो सारे ऑब्जर्वेशंस थे आपके सीरीज में उनको इक्वल इम्पॉर्टेंस मिल रही थी बट यहाँ पे क्या होगा हर एक डिफरेंट आइटम को एक रिलेटिव इम्पोर्टेंस मिलेगी यहाँ पर डिफरेंट वेट्स असाइन होंगे है ना मीन में कोई वेट असाइन नहीं हो रहे थे सिंपल मीन में बट वेटेड मीन में आपको एक रिलेटिव इंपॉर्टेंस मिलेगी हर वेरिएबल को इम्पॉर्टेंस मिलेगी और उनके अकॉर्डिंगली आपको उनके वेट्स कैलकुलेट करने हैं सिंपल मीन होता तो सब सब चीज़ें इक्वल हैं तो वहाँ पे सिंपल मीन काम आता है बट इफ़ आपका कोई डेटा है जहाँ पे सब चीज़ें इक्वल इम्पॉर्टेंस की नहीं हैं तो वहाँ पे वेटेड मीन आता है नाउ द फॉर्मूला गोज़ लाइक एक्स बार डब्ल्यू दैट मीन्स वेटेड नी यहाँ पर हम क्या करेंगे सिग्मा ऑफ डब्ल्यू एक्स आपको वेट्स दे दिए गए होंगे सारे वेरिएबल्स के और आपको एक्स दे दिया है आपको डब्ल्यू एक्स निकालना है और बाद में उसका सिग्मा निकालना है जैसे हम पहले करते थे यहाँ पर नीचे क्या आएगा सिग्मा ऑफ डब्ल्यू दैट इज सिग्मा ऑफ ऑल द वेट्स गिवेन हम पहले क्या करते थे एन लिख देते थे नीचे यहाँ पे एन क्या होता था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेट्स नहीं लिखने आपको सपोज आपको वेट दिया हुआ है फाइव सिक्स टेन ट्वेल्व यू हैव टू प्लस ऑल ऑफ़ देम और उसके बाद जो आपका सिग्मा आएगा दैट इज़ सिग्मा वेट टोटल वेट वो आपको नीचे डिवाइड करना है लेट इज़ डू अमेरिकल फॉर दिस दिस इज़ द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ़ वेट इन मीन यू आर इन द वेट्स एंड यू आर इन द एक्स हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए डब्ल्यू एक्स

let's revise the formula once formula kya weighted mean is equals to sigma wx upon sigma w so you need to calculate the sigma the sigma w will be 1400 and sigma wx will be 17500 लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज इन टू द फॉर्मूला सिग्मा डब्ल्यू एक्स क्या आया है अपना सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अपॉन फोर्टीन हंड्रेड सो दिस गिव्स यू द आंसर इज़ ट्वेल्व पॉइंट फाइव सो योर वेटेड मीन योर फाइनल आंसर इज़ ट्वेल्व पॉइंट फाइव लेट्स प्रोसीड फॉर द सेकेंड न्यूमेरिकल सो हियर वी आर ऑन द सेकेंड न्यूमेरिकल ऑफ वेटेड मीन अब यहाँ पे आपको डब्ल्यू दे दिया गया है बट सरप्राइजिंगली आपको एक्स नहीं दिया गया है एक्स हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे दिस इज़ अ वेरिएशन ऑफ सम लेट्स कैलकुलेट एक्स दैट इज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास द एग्जाम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपको दिए गए किन्होंने एग्जाम पास कर लिया और ने अपीयर की थी आपको निकालना है कितने परसेंटेज पास हो चुके हैं स्टूडेंट्स दैट विल बी एक्स अब ये हम कैसे करेंगे Students passed upon students appeared into 100. Let me do it here for you. That is 180 upon 200 into 100. Similarly, 320 upon 400 into 100. Again, 490 upon 700. into 100 हंड्रेड वन फिफ्टी अपॉन थ्री हंड्रेड the हंड्रेड नाउ द आंसर्स दैट विल गेट रिस्पेक्टिवली आर and एट्टी सेवेंटी एंड फिफ्टी आपने निकाल दिया ये आपका एक्स है और अब ये आपका डब्ल्यू है अब हम क्या करेंगे डब्ल्यू into एक्स सो लेट्स कैलकुलेट डब्ल्यू एक्स एक्स एंड डब्ल्यू टू हंड्रेड इंटू नाइन्टी हमें नाइन्टी से मल्टीप्लाई करना है वैसे ही एट्टी देन सेवेंटी एंड देन फिफ्टी जितनी भी आपकी वैल्यूज दी गई हैं डब्ल्यू में यू विल मल्टीप्लाई देट विद दिस फिगर टू हंड्रेड इंटू नाइन्टी विल गिव यू एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटू एटी will give you thirty two thousand seven hundred into seventy will give you forty nine thousand and three hundred into fifty will give you fifteen thousand पर यहाँ पे हमारा सम कम्प्लीट नहीं हो रहा है हमारा फॉर्मूला क्या था वेटेड मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू अब पहले हमें सिग्मा डब्ल्यू चाहिए सो सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू सिक्सटीन हंड्रेड एंड सिग्मा डब्ल्यू एक्स विच इज वन लैक फोटीन थाउजेंड लेट्स पुट द वैल्यूज इंट द फॉर्मूला हमारे पास सिग्मा डब्ल्यू एक्स आ गया है Kya hai apna sigma w x it is 1 lakh 14 thousand upon sigma w which is 1600 so you get the answer which is 71.25 percentage so this is the final answer of weighted mean here we sum up the chapter the first part of the chapter which is arithmetic mean gets over here keep watching keep learning and keep practicing